मेरे लिए इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू. साक्षी, आपकी आवाज जो है ना वो आपकी यूएसपी है. ऐसी आवाजें बहुत कम आती हैं जिसमें एक अपना रिवर्ब होता है. एंड आई लव दैट. थैंक यू मैम. एंड यू आर सच अ डार्लिंग. बेटा तुम बहुत आगे जाओगे. सुपर्ब है. थैंक यू. आउटस्टैंडिंग है. तुम किसी की भी टीम में जाओ लेकिन जिसकी टीम में जाओगी तुम आगे जाओगी. बहुत आगे जाओगी. वेरी गुड. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. साक्षी, मैं साक्षी यही बोलना चाहूँगा, जिसके भी पास जाओ, मेरे पास जाओ, एचआर के पास जाओ, एससी वन एंड ओनली सुनील चौहान के पास जाओ, बट नेक्स्ट टाइम और अच्छा हमें चाहिए. अब मिस्टर सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे पास जाओ तो बेटा आ ही जाओ. जिसके पास मेरे पास आ जाओ. साक्षी, मैं बस मैं इसी कश्मकश में रह गया क्योंकि आपकी आवाज़ में एक नशा है. मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आप ये चीज़ आप खुद जानती हैं या नहीं जानती, या फिर आप एक क्रिएट कर रही हैं, ये भी बन सकता है. तो कहीं ना कहीं लास्ट तक आपकी जो अनश्योरिटी थी मुझको भी अनश्योर करके रह गया. इनफैक्ट आपको देखने के बाद क्लियर हुआ कि आपकी एक्चुअली वो इनोसेंस है. हाँ, आप बना नहीं रही हैं. जी मैं. कितने साल की हैं आप? मैम 16. ओह माय गॉड. तो ये नेचुरल चीज है. लेकिन वो श्योर बेटा, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि फिल्म प्लेबैक सिंगिंग में तुम बहुत आगे जाएंगे. वाओ, याद रखना मेरी बात और ये पूरी जनता सुन ले, ये बहुत लड़की आगे जाएगी. आई एग्री. साक्षी, हु डू यू चूज एज योर कोच? सर, एक्चुअली इंसिडेंस ये था कि जब मुझे पता नहीं था कि जजेस कौन है, बस सिलेक्शन का फ़ोन मतलब आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, तो उसी रात मेरे सपने में हिमेश जी आए थे. और उन्होंने मतलब ये बताया कि सपने में आए. सर, हिमेश सर के पास. बेटा, एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ अ टैलेंट. मेरा वर्ड याद रखिए, वॉइस के देखने वालों, रॉ डिवाइन अपील, डिवाइन आउटस्टैंडिंग. सुपर आउटस्टैंडिंग. आई एम वेरी प्राउड ऑफ किड सिस्टर ऑफ माइन, एंड जस्ट ब्लेस दिस डिवाइन गर्ल. यस, वी आर विद यू. थैंक यू सो मच. कम साक्षी. वाओ साक्षी.